हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं कमलेश कुमार आपका दोस्त। आज आप लोगों को कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल हल कराऊंगा दोस्तों। ये पार्ट 3 है दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वीडियो अपलोड किया, जाइए प्लेलिस्ट में, वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए दोस्तों। 1 से 10 तक मैंने कराया। आज इस वीडियो में हम 11 से लेकर आगे वाले सवाल को हल करेंगे दोस्तों। कुमार मित्तल प्रकाशन से न्यूमेरिकल बनाया जाता है दोस्तों। अगर आप चित्रा प्रकाशन के न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो जो है प्लेलिस्ट में चित्रा प्रकाशन के नाम से प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, वहाँ चित्रा प्रकाशन देख लीजिए दोस्तों। अगर और प्रकाशन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, जो प्रकाशन आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आप प्रकाशन का नाम और लेसन और क्लास लिखकर कमेंट कीजिए दोस्तों। हम वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 11 नंबर सवाल। तो चलिए हम देख 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच का रक्त विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो दोस्तों इसमें हमको दो चीज़ ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। अरे दोस्तों एकदम इजी सवाल है, यहाँ समझ लीजिए Q1 Q2 यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? ए 0.1 एंगस्ट्रॉम है। तो देख लेते हैं दोस्तों, अल्फा कण बोला है ना, तो अल्फा कण को लिखेंगे Q1 बराबर अल्फा कण। अल्फा कण पर कितना इलेक्ट्रॉन आवेश होता है? तो होगा 3.2×10⁻¹⁹ Q1 Q2 अल्फा कण 3.2×10⁻¹⁹। आर हमको कितना दिया है? इतना दिया है दोस्तों, तो आर का मान रख देंगे 0.1 एंगस्ट्रॉम। हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 एंगस्ट्रॉम में अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगी 10⁻¹⁹ मीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लिए, अभी तक एंगस्ट्रॉम में था, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिए दोस्तों। हमको क्या ज्ञात करना है? पहले एफ विद्युत बल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम फार्मूला यहाँ रखते हैं, इतना दे दिया। अब देखिए कूलाम के नियम वाला फार्मूला रख देंगे दोस्तों। कूलाम का नियम का फार्मूला होता है एफ बराबर 1.1/4πε0 Q1 Q2/r2। देख लीजिए फार्मूला, इसको मानिए विद्युत बल। फार्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 r2। अभी इतने पूरे मान होता है दोस्त 9×10⁹। Q1 का मान यहाँ दिया है 3.2×10⁻¹⁹। Q2 का मान वहाँ दिया है 3.2×10⁻¹⁹। R का मान क्या है? 0.1×10⁻¹⁹². देखिए जिसको जिसको गुणा करना है उसको पास रख लेंगे दोस्तों, और जिसको जो घात में उसको पास में रख लेंगे तो हमको गुणा करना आसान हो जाएगा। देखिए 9×3.2×10⁻¹⁹। देखिए −19 और −19 जुड़ जाएगा 10⁻¹⁸ अपान में क्या है 0। अभी इसका स्क्वायर नहीं करेंगे,
इसको मानिए एक। अब हम क्या लिखा देंगे दोस्तों, इसको लिखा देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। इसका फार्मूला क्या होता है, स्मॉल जी एम वन एम टू आर स्क्वायर। अब यहाँ द्रव्यमान कैसे क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान एम को एम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, एम को हम द्रव्यमान एम है तो यहाँ क्या आप रखेंगे, तो हम अल्फा कण का द्रव्यमान रख देते हैं दोस्तों। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10^5 -27 kg माने होता है दोस्तों किलोग्राम। तब यहाँ मान रखते हैं स्मॉल जी का मान कितना होता है, 6.7 × 10^5 -11। एम वन का मान यही रखेंगे 6.6 × 10^5 -27। एम टू का मान यही रखेंगे 6.6 × 10^5 -27। इसको साइज बना देते हैं 27। आर का मान हम यही वाला रखेंगे 0.1 × 10^5 -10^2। अब हो गया दोस्तों, आइए अब इसको हम मेट कर एक फार्मूला बताते हैं आपको। तो इसको लिख लीजिए, मैं इसको मेट रहा हूँ। दत्त बल बटे गुरुत्वाकर्षण। देखिए अभी हम इतने मान कितना लिखा रहे थे, तो इधर रख देंगे कितना लिखा रहे थे। देखिए हमारा मान कितना था, 9 × 10^5 था। अपान में क्या था, 0.1 × 10^5 -10^2। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का कितना लिखा रहे हमने यहाँ, तो लिख लेंगे 6.7 × 6.6 × 10^5 -11। देखिए 27 -27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10^-54 है दोस्तों, ये 54। अपान में क्या था, 0.1 × 10^5 -10^2। देखिए इसको काट देंगे तो कितना बचा, 9 × 3.2 × 3.2। देखिए यहाँ देखिए -38 और 9 है तो घटा देंगे, 10^5 -29 हो जाएगा, 38 में से 9 घटा देंगे। अब देखिए इसको लिख लेंगे,
देखिए 6.7 इंटू 6.6 देखिए -11 और -54 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 65, 10^-65। इसको 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 गुणा करें कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 92.16 × 10^29। इसको 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 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो सौ 91.85 × 10^-65। इतना तेज गुणा हमने कैसे किया दोस्तों, तो जाइए प्लेलिस्ट में, गुणा करने की भाग करने की एकदम आसान ट्रिक बताया हूँ दोस्तों कि एक ही संख्या में संख्या देखोगे तुरंत आंसर बता दोगे दोस्तों। अब देखो इसको हल कर देंगे जो आएगा हमारा आंसर, इसको इसको भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 0.15। और इससे आगे ले चलना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन दशमलव के बाद हम 3 अंक ले जाते हैं, ये बात आपको मालूम थी। तो देखिए तो 10^-29, देखिए इसको हमने ऊपर ले गए तो हो जाएगी 10^ माइनस में था ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए इसको लिखेंगे, देखिए इसको घटा देंगे 65 में से अगर हम 29 घटा देंगे तो आएगा हमारा 36, 10^36। देख दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ ले जाएंगे कितना हो जाएगा 3.15 × 10^-1। -1 कैसे हुआ, क्योंकि हम जब इधर से यहाँ दशमलव लाएंगे तो माइनस में आएगा, जब इधर से हम इधर दशमलव लाएंगे तो प्लस में आएगा। तो देखिए ये दशमलव को हम इधर ले गए, यहाँ लाए एक अंक लाए, इसीलिए 10^-1 और 10^36। तो आपका आंसर हो जाए 3.15 × 10^35। 35 हो जाएगा। तो आइए यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा न्यूटन। अभी एक चीज और कर सकते हैं आप, यही आपका आंसर आ गया। देखिए ये जो चीज लिखा है ना, ये दोनों चीज इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, फिर इसके बराबर, ये लिखा है तो हम अब इसको मेट कर आपको बता देते हैं थोड़ा से। और एक चीज बल बराबर 3.15 × 10^35 अपान में क्या था एफ गुरुत्वाकर्षण इसके बराबर यहाँ लिखेंगे 3.15 × 10^35। इसके नीचे एक मानकर त्रिज्या गुणा कर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा हमारा f बराबर विद्युत बल कितना हो जाएगा 3.15 × 10^35 गुरुत्वाकर्षण। यही दोस्तों आपका आंसर, एकदम इजी था दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम 12 नंबर सवाल। चलिए 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर सवाल है, आप दोस्तों ये बताइए जो स्क्रीन पे आप सवाल देख पा रहे हैं ये आपको सफा सफा दिखाई दे रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइए दोस्तों, जरूर बताना। तो देखो 12 वाला भी एकदम इजी है दोस्तों, इसको कर लेंगे आप, लेकिन मैं करा देता हूँ आपको। देखिए लिखा क्या है सवाल,
दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। चलिए दोस्तों, ये भी कूलम के नियम से लगेगा दोस्तों, यही फार्मूला से लगेगा। चलिए इसको मिट देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए Q1 है, यहाँ Q2 है, ये दोनों बीच की दूरी क्या होती है R। तो R हमको क्या दिया है, देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता देते हैं आपको, जब कोई भी चीज़ दशमलव के बाद जीरो होता है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब एक लिखा है, चाहे इसको ऐसे लिखा रहा है तो भी एक बोलेंगे या 1.0 है, दशमलव के बाद जीरो कोई मान ही नहीं होता, इसको एक पढ़ेंगे। तो हमारा देखिए क्या क्या दिया हमारा सवाल में, दो सूक्ष्म गोलों प्रत्येक है, तो सबसे पहले हमें रिटर्न और दिया, तो देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q=ne। तो हमको पहले आवेश निकाल लेना है, मतलब क्यों निकाल लेंगे, हमको दो चीज इसमें पता है, n का मान दिया है 10 की पावर 5, एक मान होता है 1.6 × 10⁻¹। तो हमें दोनों को लिखेंगे, Q1 = Q2 = ne। तो क्या क्या हमको दिया था, R का मान दिया था 1 मीटर और n का मान था हमारा 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो इसको लिख लेंगे, n का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए 10 की पावर 5, एक मान क्या होता है 1.6 × 10⁻¹। इसको यहाँ लिख लेंगे 1.6 × ठीक है, प्लस का 5 और माइनस को 19 घटा देंगे तो 10 की पावर 14 आ जाएगी दोस्तों। ये Q1 = Q2, दोनों का मान इतना है, Q1 और Q2 का मान यहीं रखेंगे दोस्तों। तो हमको क्या लिखाना था, F लिखाना है। तो देखिए कूलम के नियम क्या होता है, F = 1/4πε₀Q1Q2R²। तो हमें F लिखाना है, F को होते हैं विद्युत बल। देखिए इसका पूरे मान आपको रट गया होगा दोस्तों, 9 × 10⁻¹। Q1 का मान और Q2 का मान यही रखेंगे, तो Q1 का रखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹, Q2 का मान 1.6 × 10⁻¹⁹, R का मान कितना है 1 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए जिसको जिसको गुणा करेंगे उसको हम एकदम पास रखेंगे, और जो घात में उसको पास में रख देंगे तो हमको गुणा करने में आसान हो जाएगी दोस्तों। 1.6 × 10⁻¹⁹ देखिए −19 और −19 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 10 की पावर −38 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। इसको इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1.6 × 1.6 तो हो जाएगा 2.5 और 6। दशमलव के बाद कोई भी संख्या होगी तो उसको इसको हम 56 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 5 और 6 पढ़ेंगे। अब देखिए इसको हम घटा देंगे, −38 और 9 घटा देंगे तो 10 की पावर 29 हो जाएगी। इसको इसको गुणा कर देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 10.29
गुड़ा कैसे, अगर जाइए दोस्तों पहले लिस्ट में जाइए, वहाँ से गुड़ा कंड झक्का स्टिक देख लीजिए दोस्तों। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है हमें, देखिए यहाँ क्या दिया था, अभेस कमान 1.6×10^14 लेकिन हमने यहाँ 19 रख दिया है, तो इसको हम 14 बनाएंगे दोस्तों। 4×14 हो जाएगा, तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14×14 कितना होगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। अब हम 9 को इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, यहाँ भी 19 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका आंसर आ गया यहीं, लेकिन फिजिक्स कहती है हमको एक अंक के बाद दशमलव चाहिए, फिजिक्स बोलते कि एक अंक के बाद हमें दशमलव चाहिए, तो आइए हम इसको दशमलव दे देते हैं। देखिए 2.3×10 यहाँ उठा लाए तो 10^+1×10^-19, तो इसको घटा देंगे तो आएगी 2.3×10^-18। यहाँ एन माने होता है दोस्तों न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। एकदम इजी था दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आप देखते हैं हम 13 नंबर सवाल। 13 नंबर भी दोस्तों एकदम इजी है, चलिए देखते हैं दोस्तों। 2 गोलियों पर 80/3×10^-9 तथा 160/3×10^-9 कूलाम आवेश है तथा वे वाई में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा दोस्तों। एकदम इजी है दोस्तों, इसको मिटते हैं दोस्तों। हमको जो क्या क्या मान दिया है यहाँ समझ लीजिए, Q1 और Q2 इनकी आर दोनों बीच की दूरी क्या होती है आर, तो आर का मान कितना दिया है 0.10 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है वो समझिए, एफ ज्ञात करना है, Q1 का मान कितना दिया है हमारा, Q1 का मान दिया है 80/3×10^-9, Q2 का मान कितना है 160/3×10^-9, R का मान कितना दिया है, तो इसका मान है इतना है, हमें ज्ञात क्या करना है F ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए रखते हैं इसका मान, इसको मेट देते हैं दोस्तों, आप इसको जरूर कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए कूलाम के नियम से लगा रहे हैं दोस्तों, 1/4 πε₀ इंटू Q1 Q2 R² इसका पूरे मान कितना होता है 1/4 πε₀ का 9×10^-9 प्लस में होगा दोस्तों, Q1 का मान होगा 80/3×10^-9, Q2 का मान होगा 160/3×10^-9, R का मान क्या होगा, तो एकदम देखिए कुछ कट रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से कट रहा है 3×3=9, 3 बचा 3 को इससे काट देंगे तो ये कितना आएगा, -9 80/-9
160 गुणे 10 की पावर माइनस 9 इसको स्क्वायर इतना आ जाएगा। इसका वर्क कर देंगे दोस्तों, देखिए इसको इसको गुणा कर लेंगे। देखिए ए प्लस का है, ए माइनस का कट जाएगा, तो देखिए इसको गुणा कर देंगे, एक जीरो लग गया दोस्तों। देखिए 16 कितना होता है, 16 128। दस की पावर माइनस 9 यहाँ कितना, 0.01। यहाँ ये किसका, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों, बराबर यहाँ लग गया। देखिए ये 0 यहाँ लिखी हो इसके पास पास, देखिए यहाँ 0.01 लगाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको लगा देंगे 0.01। कितने अंक लाए इधर, तो 10 की पावर प्लस 4। देखिए 4 अंक आया हमने, 1 2 3 4 यहाँ 0.4 हो गया। देखिए ए वाला 0.01 को यहाँ ले जाएंगे, तो 1 × 10 की पावर माइनस 2 इसको यहाँ हल कर देते हैं दोस्तों, कितना था, 1.8 × 10 की पावर, देखिए 4 था 10 की पावर माइनस 9 और 1 × 10 की पावर माइनस 2 दोस्तों हल कर देते हैं, तो 1 इतना। देखिए प्लस का 4 और माइनस का 9, 4 में से 9 गया, 10 के पावर माइनस 5, और ये जो माइनस में इसको ले जाएंगे ऊपर हो जाएगी प्लस में, तो 1.28 × 10 की पावर, देखिए माइनस माइनस 5 और प्लस का 2 है, तो 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन बल। ये हो गए दोस्तों, आइए देखते हैं अब सवाल में क्या बोला है दोस्तों। देखिए इतना सवाल, एक चीज हमको मिल गया है, बल हमने लिखा लिया इतना। अब देखिए सवाल में हमको क्या बोला है, सवाल में क्या बोला है दोस्त देख लीजिए। सवाल में देखिए बोला था, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। एकदम इजी है दोस्तों सवाल, इसको लिख लीजिए, इसको मेट करता हूं मैं, इसको एक फार्मूला और बताता हूं। एकदम इजी है दोस्तों, फिजिक्स का न्यूमेरिकल एकदम इजी होता है दोस्तों, बस आपको समझ जाना चाहिए, बस समझ में एक बार आ गया जो चीज आ गया। देखिए एक फार्मूला क्या होता है, चलिए हम लिखा देते हैं, हिंदी लिख दें या बोल देंगे समझ जाएंगे दोस्तों, लिखा देते हैं दोनों आवेशों के लिए दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए तार से जोड़ने पर तो फार्मूला क्या होगा, Q = Q1 + Q2/2। तो दोस्तों एकदम इजी है, जो हमको देखे Q1 का मान 80/3 × 10 की पावर माइनस 9 प्लस है, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे। Q2 का मान था 160/3 × 10 की पावर माइनस 9, अपान में 2 है 2 लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लीजिए, 80
माइनस 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 इसको कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा हमारा 80/3 प्लस 160/3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -9 कॉमन कर लिए हैं इसको यहाँ लिखते हैं 80/3 प्लस 160/3 कॉमन कितना था 10 की पावर -9 2 था इसका इसका एलसीएम सेम है दोस्तों 3 आ जाएगा और ये इसको उसी तरह लिख लेंगे 80 160/3 2 है हमारा क्यों है दोस्तों ये पोलियो मार दिए इसको देखिए 0 को जोड़ेंगे 0 16 8 कितना होता है 24/3 2 ये 3 से इसको काट देंगे तो हो जाए कितना 80 ये 3 कट गया कितना बचा 2 देखिए 3 8 24 होगा 8 लिख लें 0 था 0 लगा दिए और देखिए 2 नीचे था 2 इसको काट देंगे 2 से तो हो जाएगी 40 तो क्यों बराबर हमको 40 गुलाम मिला सी माने होता है दोस्तों गुलाम अब आइए देखते हैं गुलाम का नियम लिखा लगाकर हल कर लेंगे इसको मेट रहे हैं गुलाम का नियम 1/4πε0 इंटू q1 q2 r² ये पूरे मान तो आधी हो गया होगा कितना होगा 9 × 10^-9 प्लस में होगी q1 का मान यहाँ से रखेंगे q2 का मान यहीं से रखेंगे और दोस्तों इसको तो हम यहाँ लिखे ही नहीं 10^9 तो हो जाएगी 10^-9 इसको कॉमन लिए थे ना तो यहाँ लिखेंगे 40 × 10^-9 गुलाम तो q1 का मान और q2 का मान यही रखेंगे q1 का मान कितना है 40 × 10^-9 q2 का मान है 40 × 10^-9 r का मान क्या होता है वही रखेंगे जो हमने इसके पीछे रखे थे कितना रखे थे इसके पीछे 0.1 कितना था स्क्वायर करेंगे देखिए जिसको जिसको गुणा करेंगे उसको पास रखेंगे और जिसको जो घात में उसको लगे कर देंगे हमको देखिए 9 × 40 × 40 देखिए 10 की पावर प्लस में है और 10 की पावर माइनस में है तो कट जाएगा तो आएगा हमारा 10^-9 देखिए 10 की पावर प्लस में 9 10 की पावर माइनस 9 तो ये दोनों कट गया तो अब इसको हम गुणा कर देंगे इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 9 1600 हो जाएगा 9 16 कितना होता है 144 16 9 में कितना होता है 144 होता है डबल जीरो देखिए 16 9 144 और 00 था लगा दिए 00 10^-9 अब देखिए दशमलव लगाएंगे यहाँ 1 2 3 4 तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1.44 × 10^+ 10^-, तो हमारा आंसर कितना आएगा
आंसर आ जाएगा, यहीं लिख देते हैं, नहीं नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। 1.44 गुणे, देखिए प्लस का 4 और माइनस का 9 घट जाएगा 10^5 माइनस 5 न्यूटन। ओहो दोस्तों इसका मान तो हम भूल ही जाते हैं यार का मान, इसका हम ऊपर करेंगे कितना आएगा 0.01। फिर इसको यहाँ लाएंगे तो जब ये दशमलव को हम यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1×10^-2। तो यहाँ भी लिखेंगे 10^-2, 1×10^-2। देखिए अब देखिए ध्यान से, आप कौन सा यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यह चीज हम ऊपर लिख रहे हैं, कितना था 1.44×10^+4×10^-4, 1×10^-2। तो इसको घटा देंगे तो आगे 1.44 हो जाए 10^-5, 1×10^-2। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 10^5, 1.44×10^5 और एक माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी 10^2। तो हमारा आंसर आ गया 1.44×10^-3 एफ। मात्रक क्या होगा, न्यूटन। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, आप लिख लीजिए आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नीचे जगह नहीं था इसलिए हम इसको ऐसे ले गए, यहाँ से इसके यहाँ से लिखना है, इसके नीचे से फिर इसको लिखना है, फिर ये आपका यहाँ आंसर। आइए दोस्तों अब देखते हैं 14 नंबर सवाल पढ़ने जा रहे हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि दोनों आवेशों को योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों एकदम ईजी ये भी है सवाल, चलिए देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया है, फिर समझ लीजिए यहाँ से Q1 Q2 इनके बीच की दूरी माने R होता है, R होता है, R का मान कितना दिया है यहाँ, तो हमको मिला है R का मान, यहाँ लिख लेंगे R का मान 0.1 मीटर है। Q1 का मान कितना है, Q2 का मान कितना है, F का मान दिया है 18 न्यूटन, तो हमको किन का मान दिया है 9 माइक्रोकूलम। इसको हम कूलम में चेंज कर लेंगे तो 9×10^-6 कूलम, दोनों का मान उतना ही है 9 माइक्रोकूलम, इसको भी चेंज कर लेंगे 9×10^-6 कूलम। तो अब इसमें हमको चारों चीज दिया है तो हम इसमें क्या लिखा लेंगे, सबसे पहले Q1 और Q2 लिखा लेंगे, तो फार्मूला क्या होगा, वन अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 आर स्क्वायर, इतना दिया है। n का मान कितना है, f का मान 18 है, इसका मान कितना होता है 9×10^9। Q1 का मान अभी नहीं रखेंगे, Q1 Q2 R का मान कितना दिया है 0.1 का स्क्वायर, Q2
Q1 को अभी उसी तरह रखे रहेंगे दोस्तों। तो देखिए 18 बराबर 9×10^9 Q1 Q2, इसको इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा Q2। इसका वर्क करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ गुणा कर देंगे 18, ये देखिए गुणे में यहाँ भाग में है, इधर आएगी गुणे में हो जाएगा। पक्षांतर कर रहे हैं इसका 0.01, ये देखिए गुणा में है इधर आएगा, ये भी भाग में हो जाएगा 9×10^9। अब बचा हमारा Q2, तो हम इसको लिख लेंगे Q2 बराबर 18.01 9×10^9। तो इसको गुणा कर देंगे, कितना गुणा करना आसान है, इसको इसको काट लीजिए 2 से 9 से, तो 2.01×10^9। इसको इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 0.02×10^9। अब इसको हम यहाँ ये चीज़ को यहाँ देखते हैं 0.02×10^9, ये 0 के इधर लाएंगे तो हो जाए कितना Q2। इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 2×10^-2। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस में, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2×10^11 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ अभी आप स्क्वायर ना कीजिए, इसको इसी तरह लिख दे, क्योंकि आगे चल के इसका मान हमको रखना होगा, Q1 और Q2 का मान हमें आगे चल के रखना होगा, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं करेंगे। Q1 × Q2 और कहाँ है, यहाँ है Q1 × Q2 इसको रखिए, यहाँ देखिए C कूलाम स्क्वायर क्यों हुआ, एक कूलाम इसका और एक कूलाम इसका, इसलिए यहाँ कूलाम हो गया। अब भाई दोस्तों इसको मेट कर इसके आगे हल करते हैं, अभी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है इस सवाल में हल करना है। जो एक फार्मूला है दोस्तों उसको बता देते हैं, फार्मूला होता है Q-Q+2 − 4Q1Q2, ये फार्मूला होता है दोस्तों। इसको Q1 Q2 अगर ये फार्मूला आपको गलत लग रहा है तो दोस्तों दोनों का तरफ को उठाकर ले लिख लीजिए, प्रूव कर लीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे Q1 और Q2 का मान रख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा Q1 और Q2 का मान कितना था, यहाँ देखिए इतना रखा गया था, तो 9×10^-2 स्क्वायर दोनों मान है, स्क्वायर हो गया 4 Q1 Q2, इसका मान कितना रखेंगे 4 रखें, गुणे लगाएं, एक बार इसको या करके और लिख लीजिए Q1 Q2। देखिए 1 यहाँ एक और काम, तो हम इसको लिखें 0.2×10^10 C², इसको लिख लीजिए। अब इसको मान वहीं रख देंगे 0.2×10^10। इसको हम अलग अलग रखते हैं लेकिन स्क्वायर है, इसलिए हमने दोनों को रख दिए दोस्तों। देखिए
अब 9 को बार क्या होगा, 81 होगा, जब तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो 0.8×10^10 हो गए। देखिए इसमें से हमने दोनों को बराबर कर लेते हैं, 10 यहाँ भी कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगी 0.081, तो ये बच्चा हमारा 10^-10 और 0.8×10^-10। दो अंक देखे, दो इसमें कम कर दिए, 2 दशमलव हम यहाँ लगा लिए, तो अब इसको कॉमन कर लेंगे 0.8 और 0.,  इतना हो जाएगा, तो कॉमन कर लेंगे 10^-10, तो इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 0.01×10^10। तो इसको लिख सकते हैं 1×10^-2×10^ तो 1×10^-12। ये इसको इसी बराबर लिखा है दोस्तों। अब इसके आगे हल्का पर में लिखा है हमारा, अब इसका काम लगेगा दोस्तों, इसको याद रखना। इसका बराबर ए मिला, ये इसी का मान है, हमने ये चीज दिखा लिया। अब हम क्या लिखा रहेंगे, सवाल में क्या बोला था हमको, अब देखिए समीकरण 1, इसको और कर सकते हैं Q1 Q2। देखिए स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा 10^-12, तो इसको रूट से निकाल लेंगे तो 1×10^-6 हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1+2 को जोड़ने पर समीकरण 1 का मान कितना था, Q1+Q2+, और समीकरण 2 मान कितना है, Q1-Q2 बराबर कितना लिखेंगे, बराबर 9×10^-6। समीकरण 1 से यहाँ से लिखा रहा था मान इसका, यहाँ से समीकरण दूसरा का मान कितना आया, माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, तो इसको लिख लेंगे माइनस 10^-6 हो गया। देखिए Q1+ का ये माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2Q1 बराबर 9×10^-6, ये हो जाएगा हमारा 10^-6। तो इसमें हमें कॉमन क्या लग रहा है, कॉमन कर लेंगे Q2Q1 9-1, इसको एक घटा देंगे तो हो जाएगा 2Q9 से 1 जाएगा 8×10^-6, 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4×10^-6। अब गुलाम इसको हम लिख सकते हैं 4
माइक्रो कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। या करके इसको लिख लीजिए, चार माइक्रो, माइक्रो चिन्ह ऐसे बनता है, माइक्रो कूलम, यही आपका हमारा एक मान लिखा गया। अब Q1 इसको मान लीजिए Q1। अब Q1 का मान रखने पर इसको मेट रहे हैं, Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो Q1 का समीकरण 2 में मान रखने पर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। चलिए 1 में ही रख लीजिए। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान कितना आया, 1 Q1 का मान रखेंगे 9 माइक्रो कूलम माइनस ना हो, नहीं यहाँ 4 आया था ना हमारे, यहाँ देखिए Q1 का मान 4 आया, 4 माइक्रो कूलम, तो होगा 9 माइक्रो कूलम प्लस था बराबर। गलत है, 4 माइक्रो कूलम प्लस Q2 बराबर कितना है हमारा, बराबर कितना है, 9 माइक्रो कूलम। Q2 को रोकेंगे, 9 माइक्रो कूलम, ये इधर है, इसको पक्षांतर करने माइनस में हो जाएगा, 9 4 माइक्रो कूलम। Q2 का मान कितना आएगा, 5 माइक्रो कूलम। दोस्तों सवाल बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा दोस्तों, बस आज के सवाल में, सवाल इसमें बड़े बड़े हैं दोस्तों, इसीलिए बस आज वीडियो में यहीं तक रहेगा दोस्तों। फिर हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में, आगे की बात करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।